फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम कश्मीरी दम आलू बनाएंगे। कश्मीरी दम आलू बनाने के लिए सबसे पहले हम सारे खड़े मसालों को पानी में भिगो देंगे। इसके लिए एक बाउल में एक दालचीनी का टुकड़ा, पांच से छह लौंग, चार से पांच काली मिर्च, दो से तीन इलायची, एक बड़ी इलायची और एक चम्मच सौंफ डालेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर इसे पीस लेंगे। अब हम आलू लेंगे। आलू छोटे साइज के ही होने चाहिए। हमने इसे पहले ही छील कर और धोकर रख लिया था। अब इसे फोक की हेल्प से प्रिक कर लेंगे। चारों तरफ से अच्छे से प्रिक करेंगे। हम इसे प्रिक इसलिए कर रहे हैं ताकि फ्राई करते टाइम पे तेल को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके और अंदर से पक जाए, क्योंकि हमने इसे बिल्कुल भी उबाला नहीं है। आप फोक की जगह टूथपिक का भी यूज कर सकते हैं। हमने पहले ही सरसों के तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल गर्म हो गया है, अब आलू को फ्राई कर लेंगे। आलू को हम 10 से 15 मिनट के लिए फ्राई होने देंगे। देखिए, आलू गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इन्हें निकाल लेंगे। मसालों को पीस लेंगे। मसाले पीस गए हैं, एक बार इसे देख लेते हैं। देखिए, मसाला एकदम अच्छे से पीस चुका है। अब एक बाउल में एक कप दही डालेंगे और फेंट लेंगे। दही को एकदम पतला फेंटेंगे। दही अच्छे से फेंट चुका है। अब इसमें एक चम्मच सॉल्ट पाउडर, मसालों का पेस्ट डालेंगे। और सभी को मिला लेंगे।
अब एक पैन लेंगे और उसे गरम करेंगे। अब इसमें 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। अब इसमें चुटकी भर हींग, एक चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इससे कलर काफी अच्छा आता है। अब इसमें दही डालेंगे। ध्यान रहे, दही डालते ही हम इसे चला लेंगे, वरना दही खराब हो जाएगा। गैस को कम ही रखेंगे। गैस को थोड़ा तेज कर देंगे। हम इसे तब तक चलाएंगे जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। इसमें उबाल आ चुका है, अब इस पे नमक डालेंगे। उबाल आने के बाद ही नमक डालना है। अगर उबाल आने से पहले नमक डालेंगे तो ये खराब हो सकता है। सारी चीजें डल गई हैं, अब इसमें आलू डाल देंगे। और सभी को मिला लेंगे। अब इसे ढक देंगे और मीडियम गैस पर 10 से 15 मिनट के लिए पकने देंगे। हो गई है, अब इसे खोलकर देख लेते हैं। ये हल्की गाढ़ी हो गई है। अब इसमें कुछ कसूरी मेथी डालेंगे और मिला लेंगे। कश्मीरी दम आलू बन गई है, अब गैस बंद कर देंगे। कश्मीरी दम आलू बनकर तैयार है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। आप इसे रोटी, नान या चावल के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आप इसे अपनी फैमिली में जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।